बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एग्जिट पोल से जुड़ा एक मीम शेयर किया था। देखते ही देखते ये मीम सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। दरअसल इस मीम के जरिए विवेक ने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल और रिजल्ट के बारे में बात की। विवेक ने इस मीम के जरिए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय बच्चन के रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी है। बता दें कि विवेक ने इस फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, यही जिंदगी है। वही अब लीजिए विवेक के शेयर किए गए इस मीम पर फैंस के रिएक्शन आना शुरू हो गए हैं और लगभग हर कोई उन्हें इस हरकत के लिए खरी खोटी सुना रहा है। इतना ही नहीं, विवेक की इस हरकत से बॉलीवुड स्टार्स भी भड़क उठे हैं। दरअसल हाल ही में सोनम कपूर ने इस मीम पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है, ये काफी घिनौना और क्लासलेस है। वही सोनम के अलावा इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा ने भी विवेक की इस हरकत पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि आपका ट्वीट काफी बेतुका है, डिसअपॉइंटेड। इतना ही नहीं, टीवी एक्टर आमिर अली ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि लाइक रियली सीरियसली। बता दें कि जल्द ही विवेक की फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में विवेक पीएम नरेंद्र मोदी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। महीनों से अटकी हुई इस फिल्म के प्रमोशन के लिए विवेक दिन रात मेहनत कर रहे थे। कहा जा रहा है कि विवेक ने ये मीम अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए किया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विवेक के इस ट्वीट पर सलमान और ऐश्वर्या का क्या रिएक्शन आता है। वैसे आपकी विवेक के इस ट्वीट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। हमने दी है प्रतिक्रिया, मैंने पढ़ा और मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग कूल बनने के लिए ट्विटर पे ये सारी चीजें लिख देते हैं। मैं पूछना चाहूंगा सोनम से कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के ऊपर कितना काम किया, वुमेन एम्पावरमेंट पे हाउ मच हैज सोनम वर्क्ड। पिछले 10 साल में तकरीबन 2200 बच्चियों को हमने चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन से, फोर्स्ड लेबर से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करके इनको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री फूड देकर एम्पावर किया है, सशक्त किया है। उनमें से कई बच्चियां इस वक्त स्कॉलरशिप पे यूएस, यूके, कनाडा में पढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि मैंने ये काम किया है और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, फोर्ब्स वगैरह ने भी छापा है इसको, इंटरनेशनल मैगजीन ने भी छापा है। मैं महिला सशक्तिकरण पे, विमेन एम्पावरमेंट में तब से काम कर रहा हूँ, 10 साल पहले जब सोनम कपूर अपने मेकओवर पे काम कर रही थी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सोनम को कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आपके पिताजी अनिल कपूर साहब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, आई लव हिम वेरी मच, बट आपने जो ये बात लिखी है तो इसके ऊपर मैं जवाब देना चाहूँगा आपका कि आई फील पर्सनली, सोनम थोड़ी सी एडवाइस मैं देना चाहूँगा आपको, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट विथ योर करियर, बट आप अपनी फिल्मों में थोड़ा कम ओवर एक्ट करें और अपने सोशल मीडिया पे थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करें। यार, इट वॉज अ बिग चैलेंज, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, एंड ऑल थैंक्स टू संदीप सिंह फॉर ऑफरिंग मी दिस रोल। यू बेली गेट एज एन एक्टर द चांस टू प्ले अ लेजेंडरी कैरेक्टर लाइक प्रधानमंत्री मोदी जी, एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एज एन एक्टर। वी हैड अ गुड टीम, 9 लुक क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगी, प्रोस्थेटिक्स से लेकर, मेकअप डिपार्टमेंट से लेकर, हमारे पूरे टीम ने उसमें बहुत एफर्ट किया, एंड आई थिंक लोगों को फिल्म में पसंद आएगा। I think it was very simple to produce this film, but it has become very difficult to release this film. so I think shooting was very nice. It was the most memorable shoot of my life, but releasing has also become the most memorable part of saga. My life, saga actually. Okay, wait, sir, apart from the acting, you're also being written the dialogues and the screenplay of this movie, and also you have sang or rapped in the movie. So which part you have enjoyed the most? ऐसी मैंने कोई याद है आपको, क्योंकि हर पार्ट में मैंने को राइट किया है। अनिरुद्ध और हर्ष ने मेरे साथ में बहुत मेहनत की। आई थिंक मैक्सिमम क्रेडिट गोज टू माय राइटर्स, दे हैव वर्क डे एंड नाइट एंड गिवन अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। आई वाज जस्ट देयर, लिटिल बिट सपोर्ट मैंने किया।
एंड संदीप ऑल्सो. कभी कभी क्या होता है, सम टाइम व्हाट हैपेंस, वी गिव क्रेडिट एंड वी बिकम वेरी मॉडेस्ट बिकॉज वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट की दैट आई एम एन एक्टर. बट आई विल से दैट इफ विवेक वॉज नॉट देयर एज अ राइटर इन दिस फिल्म विच ही नेवर आस्क्ड मी, आई डोंट थिंक टिल द ट्रेलर रिलीज ही न्यू दैट ही इज गेटिंग द क्रेडिट इन स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग. सो ऑनेस्टली द राइटर्स केम अप टू मी एंड दे टोल्ड मी कि प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट गिव हिज नेम बिकॉज ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिकॉज वॉट नॉलेज ही कम्स फ्रॉम वी डोंट हैव दैट नॉलेज ऑफ आइदर फिल्म मेकिंग आइदर ऑफ पॉलिटिक्स और नाइदर ऑफ द मैन. In spite doing so much of research, what he used to get it, not in terms of research, yes, research they did it, but the way we have to show it to the audience, what kind of dialogues will be there, how the screenplay should be told, everything he used to sit and narrate after the film, before the film, on location, so many times to various people. And what the best part about him is that he is not an overconfident person. He doesn't say, this is final, do it. What he says, if he doesn't get my time or Umang's time or the writer's time, he starts narrating it to his makeup person. He starts narrating it to the assistant. Then he says, ki, no, does it sound properly? So that is what I like. There is no ego. Ki, this is the final thing. I have done so many films. I have been in the industry for last 19 years. So you all don't have to say. He used to take contribution from even the small people. And that is what even I learned from there. Ki, because before this film, I should not take contribution. I say, we have to make the film and we have to show it. Later what happens? But in this film, I think I learned this from you. Thank you. Ki, we have to take contribution from the beginning and then present it to the audience. So it was the reverse psychology, which he played with us. Okay, we said, have you got any feedback from Modi ji while filming or after the completion of the film? Abhi phone aaya tha. That's between him and us. Okay, the Modi movie has now become a propaganda movie. What's your thought? It has become a propaganda film? Yeah. Oh, okay. So let me correct you. So because people are saying that. Ah, right? Achha. So what's your thought on that? Yaar, kuch to log kahenge, logon ka kaam hai kehna. Hum apni film bana rahe hain. We've made a film with honesty. And Sandeep has produced many amazing movies before PM Narendra Modi. He has a very credible body of work at a very young age. It's unfair to just say ye प्रोपागेंडा फिल्म है, दिल से बनाई है यार, झूठ बोल रहे हैं लोग. सो इट्स नॉट ओनली प्रोपागेंडा, लेट मी पुट मोर थिंग्स टू दैट. दे हैव सेड दैट दिस फिल्म इज फंडेड बाय बीजेपी व्हिच इज नॉट. वी बिलोंग टू बीजेपी व्हिच इज नॉट. ही बिलोंग्स टू बीजेपी व्हिच इज नॉट. बिकॉज़ आई हैव नॉट, आई हैव सीन हिम इन फिल्म्स आई थिंक बिफोर दिस. सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही बिलोंग्स टू बीजेपी. वी आर लाफिंग बट व्हेन दिस एक्विजिशन यूज्ड टू कम टू अस वी वर शॉक्ड कि मतलब नाउ व्हाट विल हैपन टू अ फिल्म, वेदर इट विल रिलीज अ नॉट. Then all the producers belong to BJP. What all has come? And so all this has been proved. And all this, I think, we have been given justice by all the courts, whether it was Bombay High Court, whether it was Delhi, whether it was Supreme Court. And by door to door, they have gone and appealed that this film should be banned and it should not be released or it should get postponed. And door to door, we have gone, ki, please let this film release. It should not be banned and it should not be postponed. I know, yeah. So... Okay, difficult so, initially this movie was to release on 5th April, now it's releasing on 11th April. Was it any particular reason? यही सब चक्कर काट रहे थे हम. कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे के चक्कर और कभी कोर्टों के चक्कर काट रहे थे. बट फाइनली आई थिंक 11th अप्रैल को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. देयर इज ऑलवेज अ डिवाइन ब्लेसिंग. अगर आपके साथ सच्चाई है तो सब अच्छा ही होगा. सो वी आर एक्साइटेड अबाउट 11th अप्रैल यार. लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम एंड सेलिब्रेट दिस फिल्म विद अस. आपको शायद पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं मुंबई. सो आर यू प्लानिंग टू गिव एनी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर हिम? आई थिंक जब भी देखा कोई बायोपिक ऐसी मूवी बनती है स्पेशल स्क्रीनिंग जरूर. जी जी जी. सो शुड आई आंसर दिस और यू विल से? आप आंसर कर दीजिए. सो वी केम टू नो नाउ दैट पीएम साहब इज कमिंग टू मुंबई. वी नेवर न्यू दिस ऑनेस्टली. सो आई थिंक यू शुड इनवाइट हिम बिकॉज वी आर इनवाइटिंग यू ऑल टू वॉच द फिल्म टुमारो. And second, we'll be really honored if he watches our film and if we get any compliment from him, we'll be really honored. But I think as a PM of this country, 2 hours to watch a film, I think he's a man who keeps working. People say when he sleeps and when he gets up. So I think he has a lot of other work for the country. In 2 hours, he can do anything. So, and that he's proved in last 5 years. So I think he'll do better work than watching a film. But we'll be honored if he watches our film and calls us, or if even if we get a compliment from him.
ओके विवेक सर, लास्ट टू क्वेश्चंस. आपको बहुत ही प्यार मिला है बॉलीवुड में, नाउ इन साउथ आल्सो द लूसिफर इज गेटिंग अ ह्यूज रिस्पांस, इंच टू अ 100 करोड़. सो हाउ यू फील और हाउ डिफरेंस व्हाट टू वर्क इन बॉलीवुड एंड टॉलीवुड? यार बहुत खुशी होती है, चाहे कोई भी भाषा में आपकी फिल्म जब इतना अच्छा करे एंड पीपल आर गिविंग यू सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर योर परफॉर्मेंस, इट्स लवली. मोहनलाल जी इज अ लेजेंड. वर्किंग विद लाल एटन आफ्टर 16-17 ईयर्स सिंस कंपनी वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. पृथ्वीराज वॉज फैब्यूलस एज एन एक्टर एंड नाउ एज अ डायरेक्टर. मंजू वारियर अगेन अनदर लेजेंड. दे हैव सो मेनी नेशनल अवार्ड्स बिटवीन देम दैट आई डोंट हैव दैट मेनी नंबर्स इन माई फोन. सो देव डन रियली रियली वेल एंड इट वॉज अ प्लेजर वर्किंग विद दैम एंड एक्सपीरियंस टू रिमेंबर एंड चेरिश. ओके सर, जैसे कि आप पता ही होगा यू हैव इमेंस नंबर ऑफ फॉलोअर्स और यू आर ऑलवेज देयर फॉर एनी सोशल कॉज. इज देयर एनी प्लानिंग ऑफ योर्स टू जॉइन पॉलिटिकल इन फ्यूचर? आई एक्चुअली रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, सो नॉर्मली पीपल राइट. तो लोग अभिनेता से नेता बनते हैं, मैं तो नेता से अभिनेता बना. आई वॉज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, सो ये सब बचपन में कर लिया. नाउ आई एम एंजॉइंग एक्टिंग एंड आई ऑल्सो से ना कि MP बनने का क्या फायदा जब आप PM बन सकते हैं. ओके लास्टली 11th अप्रैल को रिलीज होने जा रहा है, सो व्हाट डू यू लाइक टू से टू योर फैंस एंड ऑडियंस? बस ये आइए फिल्म देखिए 11th अप्रैल को, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है. यू सर्टिफिकेट की फिल्म है, पूरी फैमिली आके देख सकती है. इट्स अ फिल्म अबाउट अ पेट्रियट, फॉर एवरी सिंगल पेट्रियट. आओ अपने बच्चों को लेके आओ और देशभक्ति की एक फिल्म दिखाओ यार. प्लीज वॉच अ फिल्म PM नरेंद्र मोदी ऑन 11th ऑफ अप्रैल एंड इट्स अ फिल्म विच विल इंस्पायर यू टू डू समथिंग फॉर योर कंट्री. थैंक यू. तीसरा तो कोई नहीं चेप रहे ना इसी में सेटअप में.